शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद सुरियां ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिखारी रामपुर में पिछले 3 साल से शौचालय क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ पढ़ने वाली खुशी सहित 180 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे विद्यालय में शौचालय की समस्या है, अगर हम कभी हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है तो हमें बाहर जाना पड़ता है और बरसात में भी कोई जगह खाली नहीं रहती। बाहर जाने को दिक्कत होती है आपको? शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में शौचालय बन जाए। हमारे विद्यालय में सर कई समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्या तो शौचालय की, और बालक बालिकाओं के लिए जो शौचालय था पहले वो करीब 3 साल से क्षतिग्रस्त है, जो इस समय उपयोग के लायक नहीं है। अब न तो उसमें पानी की व्यवस्था ही है, टूट फूट भी गया है, और इसके न रहने से बालिकाएँ की उपस्थिति बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो बड़ी लड़कियाँ हैं हमारे जूनियर में, तो उनको बाहर जाना पसंद नहीं होता। अगर विद्यालय में शौचालय रहेगा तो बराबर उपस्थित भी रहती हैं, इसके वजह से विद्यालय कम आती है, कभी कभी जिनको दिक्कत होता है। हमारे विद्यालय में प्रमुख रूप से शौचालय की दिक्कत है। यहाँ पर कोई एजुकेशन लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं, उनको जो है शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, टूटा फूटा हुआ है, उसका प्रयोग नहीं होता। ग्राम प्रधान से कहा गया तो कहें ठीक है बनवा देंगे, यही आश्वासन देते रहे, अभी तक बना नहीं हुई। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप लोग भदोही जिले के पीएस से जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।